वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन क्लास 10th चैप्टर अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं 7.3 जो पहली 7.1 है 7.2 है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच देख सकते हो जा ऊपर आई बटन दे विच तुसी इस चैप्टर का लिंक देख सकते हो। तो स्टार्ट कर लगे आप अपनी एक्सरसाइज 7.3 इन्हें विच आप की फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रैंगल। वैसे तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रैंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होंगे पर जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आप एरिया ऑफ ट्रैंगल कि फाइंड करेंगे तो देखते आप पहला आप एक ट्रैंगल ड्रॉ की ट्रैंगल का नेम की है ए बी सी ए दे कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन बी दे कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू ते सी दे कोऑर्डिनेट एक्स थ्री ते वाई थ्री। एक ट्रैंगल है जिन्हें कोऑर्डिनेट की है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री ते वाई थ्री आप इनका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया का फॉर्मूला की है एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी। सो आप लिखा वन बाय टू क्योंकि वन बाय टू इंटू बेस इंटू हाइट होंगे तो वन बाय टू आप यूज करना है। हूँ आप लिखा कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन नैक्सट एक्स टू वाई टू नैक्सट आप लिखा एक्स थ्री वाई थ्री लास्ट में फिर लिखा एक्स वन वाई वन जो ये मैं डंडे लगाए डंडे की है मॉडलस ये डंडे की अपने को मॉडलस मतलब जे कोई वैल्यू नैगेटिव आई उन्होंने की करेगा पॉजिटिव करेगा। हम देखो वापस एक्स वन वाई वन क्यों लिखा मैं ए तो स्टार्ट किया चलना ए तो कितने पहुंचा बी ते बी तो कितने पहुंचा सी ते जेकर मैं सी तो वापस ए ते आऊंगा तो ये फिगर की होगी क्लोज जे फिगर क्लोज होगी तो की बनेगी ट्रैंगल बनेगी। ओके सी तो मैं वापस कितने आया ए ते ताई पहला ए दे कोऑर्डिनेट फिर बी दे कोऑर्डिनेट फिर सी दे ते लास्ट वापस की आ गया अपने कोल ए दे कोऑर्डिनेट। हुण आपां ये करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहला थलों उपर नू मल्टीप्लाई करनी है आपां तो कितना बनेगा वन बाय टू एक्स वन वाई टू विचाले प्लस का साइन विचाले का जाएगा प्लस का साइन जेकर इन्हें किसी को माइनस है फिर माइनस आएगा अदरवाइज प्लस आएगा। हुण की आ गया एक्स टू वाई थ्री तो लास्ट से की आ गया एक्स थ्री वाई वन इनू ब्रैकेट के बंद करो हूँ जो विचाले साइन है दैट विल बी नैगेटिव। हूँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ठीक है पहला आप राइट टू लैफ्ट गए सी हूँ आप लैफ्ट टू राइट जाना तो यह बनेगा एक्स टू वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई टू प्लस की आ गया एक्स वन वाई थ्री। ओके हूँ इनू की सोल्व कर लो दैट विल बी यूअर आंसर। ओके ये अपना की आ जाएगा सिंपल जहा आंसर आ जाएगा। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैंगल अपन कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए दे कोऑर्डिनेट है टू थ्री बी दे कोऑर्डिनेट है माइनस वन जीरो ते सी दे कोऑर्डिनेट की है माइनस टू ते सॉरी टू एंड माइनस फोर नाउ वी विल फाइंड द एरिया। सो आप लिखा ए आर शॉर्ट फॉर्म लिखा एरिए की ए आर कहना फाइंड करना आप ए बी सी एरिया ए बी सी। हुण आपां फॉर्मूला वन बाय टू पहला कदे कोऑर्डिनेट लिखे सी एक्स वन वाई वन सो कितना आ गया अपने कोल टू थ्री माइनस वन जीरो टू माइनस फोर अगेन जो स्टार्टिंग विच लिखे सी उन्हूं आपां दुबारा लिखांगे। हुण की करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू इंटू जीरो कितना आ गया जीरो माइनस फोर इंटू माइनस वन तो कितना हो गया प्लस का फोर हो गया नैक्सट थ्री टू जा कितना हो गया सिक्स हो गया ब्रैकेट के अंदर की करो इनू बंद किमें किया जीरो नू टू नाल किया जीरो माइनस फोर नू माइनस वन नाल किया फोर आ गया थ्री नू टू नाल किया कितना आ गया सिक्स आ गया। हुण आपां की जावांगे लैफ्ट टू राइट कितना आ गया माइनस थ्री इंटू वन कितना हो गया माइनस थ्री टू इंटू जीरो ये भी अपने कोल की आ गया जीरो आ गया फिर आपां किनू करांगे टू इंटू माइनस फोर ए की आ गया अपने को माइनस द एट आ गया। ओके देखो दोबारा माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री टू इंटू जीरो जीरो टू इंटू माइनस फोर कितना हो गया माइनस एट सो ए कितना बन गया अपने को फोर प्लस सिक्स कितना हो गया टेन माइनस ऑफ माइनस थ्री माइनस एट ए कितना आ गया माइनस द इलेवन आ गया। ओके माइनस थ्री तो माइनस एट कितना हो गया माइनस इलेवन जो ब्रैकेट ओपन करांगे सो माइनस 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 की हो गया अपने को प्लस हो गया ठीक है तो जो ऐड करांगे आंसर कितना आ गया 21 बाय 2। हुण एरिया का चुंदा जा मीटर स्केयर या सेंटीमीटर स्केयर। ओके तो आप इतने की लिखांगे स्केयर यूनिट्स ये चीज़ जरूर लिखनी नहीं तो हाफ मार्क्स
कट हो जाएगा, आप लिखांगे स्केयर यूनिट्स। ओके दैट इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल जहा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुसी क्या आंसर फाइंड कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, इन द बी पार्ट अपने को सेम क्वेश्चन है, बी पार्ट आप डिस्कस करांगे। बी पार्ट दे अपन कोऑर्डिनेट गिवन है, ए दे कोऑर्डिनेट है -5 -1, बी दे कोऑर्डिनेट है 3 -5, ते सी दे कोऑर्डिनेट की है 5 एंड 2। आपा की फाइंड करना एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो स्टार्ट करते हैं, एरिया ए आर ए बी सी वैल्यू पुट करो। पहला किन्दे कोऑर्डिनेट आउणगे ए दे, ए दे की आ गए -5 -1, नेक्स्ट 3 -5, नेक्स्ट 5 एंड 2, ते लास्ट की आ गया -5 एंड -1। सारे कोऑर्डिनेट लिखते, हुण आपां ही करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहला लैफ्ट टू राइट जाण, सो किन्ना आ गया अपने कोल माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 5 इंटू -1 किन्ना आ गया अपने कोल -5 आ गया। ओके किवें कीता, -5 -5 + 25 हो गया, 3 2 जा 6, 5 इंटू -1 किन्ना हो गया -5। हुण दूजी साइड जावांगे, किन्ना आ गया पहला -3, फिर किन्ना आ गया -25, फिर किन्ना आ गया -10 आ गया। ये सारे की आ गया अपने कोल माइनस आ गया, ठीक है, क्योंकि या तो लैफ्ट साइड से माइनस है या राइट साइड से माइनस है। सो इन सॉल्व करो, किन्ना आ गया 25 जो 5 गए 20 +6 किन्ना हो गया 26। इन सॉल्व करो माइनस दे किन्ने हो गए 28 ते माइनस दे 38 किन्ना आ गया -38। जो ब्रैकेट ओपन करांगे तो माइनस माइनस की हो गया अपने को प्लस हो गया 26 + 38। जो 26 नो 38 में ऐड करांगे तो कितना बन गया 64/2। सो कट करके कितना आ गया 32 स्केयर यूनिट्स, ठीक है। सो अपना आंसर कितना आ गया 32 स्केयर यूनिट। पूरे क्वेश्चन जो आप सॉल्व किया, मेरा आंसर कितना आ गया 32 स्केयर यूनिट। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। हुण एक स्पेशल वर्ड उन्हें यूज किया है कोलिनियर। वैसे आप 7.1 दे विच पढ़िया सी क्वेश्चन कोलिनियर, कोलिनियर दे विच आपां की पढ़िया सी, मतलब जो दो, मतलब एक लाइन है, लाइन के उपर 3 पॉइंट है, जो किसी दो दा सम किसी एक दे इक्वल हो जाए वह की सी कोलिनियर सी। पर इत्थे आपां किवें पढ़ांगे कोलिनियर दा मीनिंग, कोलिनियर दा मीनिंग सेम लाइन के उपर, ठीक है। मान लो एक लाइन सैगमेंट है, इन उपर 3 पॉइंट है ए बी ते सी, ठीक है। हम 3 पॉइंट है, तिने की है कोलिनियर है, जो कोलिनियर हो गए तो यह ट्रैंगल तो बना नहीं रहे, ठीक है, कोई ट्रैंगल नहीं बन रही। जो ट्रैंगल नहीं बन रही तो मतलब एरिया कितना होएगा 0 होएगा, ठीक है। जो आप पॉइंट कोलिनियर देते हुए तो आप एरिया का इक्वल रखना है 0 दे रखना। सो अपन के दी वैल्यू फाइंड करनी है, ए पॉइंट है 7 - 2, बी पॉइंट है 5 1, तो सी पॉइंट की है 3 एंड k। आप के दी वैल्यू फाइंड करनी है। हम पॉइंट्स आर कोलिनियर, अपन गिवन है पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो पॉइंट कोलिनियर है सो एरिया ए बी सी दैट इज इक्वल टू 0, जो ट्रैंगल का एरिया दैट इज इक्वल टू 0। सो फॉर्मूला अप्लाई करो 1/2 7 - 2 5 1 3 एंड k, लास्ट की आ गया 7 - 2 इज इक्वल टू की आ गया अपने 0 आ गया। सो 1/2 सेम, हुण अप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, किन्ना आ गया पहला 7, फिर किन्ना आ गया 5k, 3 2 जा किन्ना हो गया 6, पर कहदा माइनस था। ओके नैक्सट हुण आपां लैफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करनी है, सो किन्ना आ गया -10, नैक्सट आ गया अपने कोल 3, नैक्सट की आ गया अपने कोल प्लस द 7k इज इक्वल टू की आ गया अपने 0, इज इक्वल टू की आ गया 0। हुण जो 1/2 है इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 वाली साइड ले जाएंगे तो की हो जाएगा 0। हुण इधर अपने कोल की बचा मोड दे विच 5k + 1, क्योंकि 7 चो 6 गया तो किन्ना रह गया 1। इधर की बचा अपने कोल -7 + 7k इज इक्वल टू 0। जो 1/2 सी उन्हें दूजी साइड जाके मैं की बनाता 2। ओके तो हुण अपने कोल की बचा मोड दे विच 5k + 1, जदों ब्रैकेट ओपन करांगे तो 7 कादा हो गया प्लस दा, पर जो 7k है वह कादा हो गया माइनस दा, इज इक्वल टू की आ गया 0 दे आ गया, ठीक है। हुण की बचा अपने कोल 5k - 7k दैट इज 2k
प्लस एट इक्वल टू जीरो। हम देखो मॉडलस का मीनिंग की होंगे, इनका मतलब होंगे जो पॉजिटिव वैल्यू है वह भी पॉजिटिव आएगी, जो नैगेटिव वैल्यू की आएगी पॉजिटिव आएगी। पर इधरले पासे अपने को ऑलरेडी की है जीरो है, तो जीरो कोई फर्क पैदा नहीं, तो आप लिखा माइनस टू के प्लस एट इज इक्वल टू प्लस माइनस जीरो। प्लस माइनस जीरो क्योंकि मॉड नू जो हटाना है तो जो राइट साइड से वैल्यू होंगे अगर आप प्लस से माइनस यूज करा, हूँ जीरो का कोई फर्क पैदा नहीं, प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ। तो इन सॉल्व करो कि आ गया माइनस टू के इक्वल टू माइनस एट, क्योंकि एट प्लस लैफ्ट से राइट से जाके की हो गया माइनस का, माइनस नाल माइनस कैंसल, सो के कि आ गया एट डिवाइड बाय टू, सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू फोर। तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपने को फोर आ गई। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना, जेकर इतने जीरो तो बिना कोई वैल्यू होएगी तो आप यूज़ करांगे प्लस से माइनस यूज़ करांगे, क्योंकि मॉड के विचों की है प्लस की वैल्यू प्लस आती है, माइनस की वैल्यू भी की आती है प्लस आती है, तो दोवें वैल्यू पॉसीबल है। जिमें आप रूट लें, रूट फोर लैना तो की वैल्यू आती है प्लस माइनस टू आती है, सेम आप मॉड के केस में करना है, पर राइट साइड ऑलरेडी जीरो से तो अपन कोई फर्क नहीं पिया, सो के दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को फोर आ गई। ठीक है, नैक्सट इन दे नाल दा जो सैकेंड पार्ट है तुसी क्या खुद कर सकते हो। उस तो अगला क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर जो थ्री है उन्होंने आप सॉल्व करा। सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज अपन की एक ट्रैंगल गिवन है, अपन की गिवन है एक ट्रैंगल गिवन है, ट्रैंगल दे नाल कोऑर्डिनेट गिवन है, ए बी सी उन्दे की है वर्टेक्स है, ए दे कोऑर्डिनेट की है अपने को जीरो माइनस वन, बी दे कोऑर्डिनेट की है टू वन, सी दे कोऑर्डिनेट की है मेरे को जीरो ते थ्री। अपन एक ट्रैंगल गिवन है जिन्दे कोऑर्डिनेट है ए दे गिवन है, बी दे गिवन है, सी दे गिवन है। क्वेश्चन दे विच अगे की कह रहा है, कहिंदा इन्हां दे मिड पॉइंट नूं मिला के, ए बी दा मिड पॉइंट कौन है डी, बी सी दा मिड पॉइंट कौन है ई, तो ए सी का मिड पॉइंट कौन है एफ है। ठीक है, तिना के मिड पॉइंट को मिला के आप एक नवी ट्रैंगल बनाती, इनू जॉइन किया इधर जॉइन किया इधर जॉइन किया, एक ट्रैंगल बन गई विचाले। हूँ आप रेशियो फाइंड करना वड्डी ट्रैंगल का तो छोटी ट्रैंगल का, वड्डी ट्रैंगल तो छोटी ट्रैंगल का रेशियो फाइंड करना है, पर रेशियो एरिए का रेशियो किमें फाइंड करा, ए बी सी का एरिया तो आप कर सकते हैं ईजली फॉर्मूला अपलाई करके, पर जो डी ई एफ है पहला अपन की फाइंड करने पैणगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करने पैणगे, डी का कोऑर्डिनेट ई का कोऑर्डिनेट तो एफ का कोऑर्डिनेट, ये तिने आप फाइंड करांगे। सब तो पहला आप करांगे ए बी सी का एरिया फाइंड करांगे, उस तो बाद की करांगे डी दे कोऑर्डिनेट ई दे कोऑर्डिनेट तो एफ दे कोऑर्डिनेट, जो फाइंड हो गए फिर आप फाइंड करांगे इनका एरिया, लास्ट में दोवां का की फाइंड करांगे आप रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं आप एरिया ए बी सी नाल, एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी, मैं छोटा लिख रहा क्योंकि काफ़ी वड्डा क्वेश्चन है, बोर्ड पूरा भर सकता है। सो कितना आ गया पहला जीरो माइनस वन, नैक्सट टू वन, नैक्सट की आ गया जीरो थ्री, लास्ट फिर की आ गया जीरो एंड माइनस वन, यही चीज़ आ गई अपने को, हुण इहनूं आपां सोल्व करांगे। सो कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया जीरो, थ्री टू जा सिक्स, माइनस वन इंटू जीरो दैट इज़ अगेन जीरो, ये चीज़ आ गई अपने को। हुण आपां दूजी साइड जाना, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू थ्री दैट इज़ ऑलसो जीरो, ये चीज़ आ गई अपने को। एरिया फाइंड कर रहे हैं आप ट्रैंगल ए बी सी का, सो कितना आ गया अपने को वन बाय टू, इधरों सिक्स बचा, माइनस माइनस की हो जाएगा अपने को प्लस हो जाएगा, थोड़ा जहा मैं शॉर्टकट चलिया। ठीक है, माइनस माइनस की हो गया अपने को प्लस, हुण सिक्स प्लस टू कि हो गया अपने को एट हो गया। ओके, सो अपने को एरिया एरिया ए बी सी दैट इज इक्वल टू फोर स्केयर यूनिट्स, मेरे को ए बी सी ट्रैंगल का एरिया आ गया दैट इज़ फोर स्केयर यूनिट। पहला काम खत्म होया, हुण आपां सैकेंड काम स्टार्ट करते हैं। सैकेंड काम की अपने को डी ई ते एफ दे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, किहड़ा फॉर्मूला यूज़ करांगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला की है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, तो वाई की वैल्यू का इक्वल है वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट कौन है डी, ई कि मिड पॉइंट है बी सी का, एफ कि मिड पॉइंट है ए तो सी का, उन्हें ऑलरेडी कह रखे क्वेश्चन के मिड पॉइंट है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करा मिड पॉइंट, तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी कि मिड पॉइंट है ए बी का, सो डी के कोऑर्डिनेट की आएंगे, डी के कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू दैट मीनस जीरो प्लस टू, कितना आ गया जीरो
प्लस टू बाय टू, नाल की आ गया माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाय टू। ए एक्स की वैल्यू है, ए वाई की वैल्यू है। थोड़ा जहा मैं शॉर्ट में चल रहा क्योंकि 7.2 एक्सरसाइज के आप मिड पॉइंट फॉर्मूला चंगी तरह पढ़ चुके हैं। ओके, सो टू एक जीरो ऐड किया कि रह गया टू, टू बाय टू, माइनस वन प्लस वन कि हो गया जीरो बाय टू। दैट मीनस डी के कोऑर्डिनेट की आ गए वन एंड जीरो, क्योंकि टू नू टू नाल कट के वन आ गया, जीरो बाय टू कि आ गया जीरो। डी के कोऑर्डिनेट आ गए किन्ने, आ गए वन एंड जीरो। हुण आपां किन्ने कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ई दे ते एफ दे। आपां लिखांगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई कि मिड पॉइंट है बी सी का, बी का तो सी का मिड पॉइंट कौन है ई। सो फाइंड करो इनकी वैल्यू कि आ गई अपने को, टू प्लस जीरो, एक्स वाली वैल्यू एक्स नाल ऐड करा, वाई वाली वैल्यू वाई नाल। हुण इधर की आ गया वन प्लस थ्री बाय टू, सो ई पॉइंट कि आ गया टू में जीरो ऐड किया, टू टू नू टू नाल डिवाइड किया कि आ गया वन, वन प्लस थ्री कि हो गया फोर, फोर नू मैं टू नाल डिवाइड किया कि आ गया टू आ गया। तो ई दे कोऑर्डिनेट भी आ गए, पहला डी दे आए हुण किन दे आ गए ई दे, लास्ट किन दे अपने कोल एफ। एफ कि मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एफ कि मिड पॉइंट है ए का तो सी का, सो वैल्यू कितनी आएगी एफ दी, जीरो प्लस जीरो, क्योंकि एक्स भी जीरो है, एक्स वन भी जीरो है, एक्स टू भी जीरो है, सो जीरो प्लस जीरो बाय टू। इधर कि आ गया माइनस वन प्लस थ्री बाय टू, सो जीरो कि आ गया अपने को, जीरो आ गया, थ्री के वन गया टू, टू नू टू डिवाइड किया कि आ गया वन आ गया। सारे कोऑर्डिनेट आ गए, पहला डी दे आए फिर ई दे आए, लास्ट में किन दे आ गया अपने को एफ दे। हुण आपां की फाइंड करना, एरिया फाइंड करना, हुण आपां की फाइंड करना एरिया डी ई एफ। सो कितना आएगा फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, पहला की आ गया अपने को डी दे वन ते जीरो, नैक्सट की आ गया ई दे पॉइंट वन एंड टू, लास्ट आ गए एफ दे जीरो एंड वन, तो फिर की आ गया वन एंड जीरो, क्योंकि जितों स्टार्ट करना होंगे वापस वो वैल्यू जरूर पुट करनी है। सो कि आ गया अपने को, पहला मल्टीप्लाई करो टू प्लस वन, उस तो अगे की आ गया जीरो आ गया। हुण इनू करो, इधर भी की आ गया अपने को जीरो, जीरो इंटू टू अगेन जीरो, वन इंटू वन कि आ गया वन आ गया। ठीक है, तो यह कि बन गया टू प्लस वन थ्री माइनस वन, सो कि आ गया टू बाय टू, इनू कट के कि आ गया वन स्केयर यूनिट। ओके, पहला एरिया ए बी सी फाइंड किया फोर स्केयर यूनिट, हुण किन्ना आ गया एरिया डी ई एफ दैट इज इक्वल टू वन स्केयर यूनिट। हुण लास्ट में आप फाइंड करना है रेशियो फाइंड करना है, लास्ट में की फाइंड करना आप रेशियो, रेशियो फाइंड करना है एरिया ए बी सी डिवाइड बाय एरिया डी ई एफ। ओके, ए बी सी का तो डी ई एफ का रेशियो फाइंड करना, ए बी सी कि आया वन, डी ई एफ कि आया, सॉरी ए बी सी कि आया फोर, डी ई एफ कि आया अपने को वन। सो अपने को आंसर कि आ गया फोर रेशियो वन। ओके, दैट मीनस जो अपने को ए बी सी है वो डी ई एफ नालों की है फोर टाइम्स वड्डी है। ओके, इसी अपने को क्वेश्चन नंबर थ्री जिंदे विच आपां दो ट्रैंगल का एरिया फाइंड किया। नैक्सट अपने को क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की कह रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रीलेटरल फाइंड करना है। दो मैथड नाल फाइंड किया जा सकता है पर आप बिल्कुल सिंपल जहा मैथड यूज़ करांगे। किवें फाइंड करांगे, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रीलेटरल, आपां कि वर्टेक्स गिवन है, नाल कोऑर्डिनेट गिवन है, ए अपने कोल की है ए दे आ माइनस फोर ते माइनस टू, बी किन्ना माइनस थ्री माइनस फाइव, सी अपने कोल की है सी इज थ्री माइनस टू, तो डी अपने कोल की है डी इज टू थ्री। आपां की फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रीलेटरल। सो एरिया ऑफ क्वाड्रीलेटरल किवें फाइंड करांगे, देखो वैसे तो आपां एवें करना सीगा इन दे विचाले ए ते सी नू जॉइन करना सी, पहला ए बी सी दा फाइंड कर दे फिर ए डी सी दा फाइंड कर दे फिर दोवां नू की कर दे ऐड कर दे। पर एक सौखा तरीका है क्वाड्रीलेटरल दा एरिया फाइंड करन दा, एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी। सो किवें फाइंड करांगे, आपां स्टार्ट कित्थों कीता ए तो, ए दे किन्ने आ गए माइनस फोर ते माइनस टू, बी की आ गया माइनस थ्री माइनस फाइव, सी दे की आ गए थ्री एंड माइनस टू, फिर आ गया डी कितना आ गया टू ते थ्री।
ए तो पंच है बी ते, बी तो सी ते, सी तो डी, डी तो वापस किन्दे ते होना है ए ते। सो दैट इज़ -4 एंड -2 सारे आ गए अपने को। हुण आपां की फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, मैथड सेम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। सो कितना आ गया, पहला 4 5 जा 20 क्योंकि दोवें माइनस है तो की हो गया प्लस, ए भी माइनस ए भी माइनस, 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 3 जा दैट इज़ अ 9, ए माइनस है ए प्लस है सो की आएगा अपने को माइनस आ गया। पहला पार्ट हो गया, हुण दूजी साइड मल्टीप्लाई करो कितना आ गया माइनस दे माइनस माइनस की हो गया प्लस, सो कितना आ गया प्लस का 6, ए कितना आ गया माइनस का 15, ए कितना आ गया माइनस दे 4 आ गए, इधर मल्टीप्लाई करो कितना आ गया माइनस दे 12 आ गए। मल्टीप्लाई करनी तुहानू चंगी तरह सिखा रखी है, मैं क्रॉस करनी है पहला राइट टू लैफ्ट जाने आ, उस तो बाद लैफ्ट टू राइट नू जाना, ठीक है। सो इनू सोल्व करो कितना आ गया 26, 26 ते 9 कितना हो गया 35, 35 चो 4 गए कितना रह गया 31। नैक्सट नू सोल्व करो, ए किन्ने हो गए माइनस दे 19, माइनस 31, 6 गया तो कितना रह गया माइनस दे 25। कैलकुलेशन तुसी खुद कर सकते हो क्योंकि इंटीजर्स की एडिशन या सबट्रैक्शन करनी है, तुसी छोटी क्लासों के पढ़ते आए हो। सो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, सो कितना आ गया 31 प्लस 25, सो कितना आ गया 56 डिवाइड बाय 2, तो अपने को आंसर कितना आ गया 28 स्केयर यूनिट्स। सो दैट इज़ द आंसर। ओके अपने को आ गया आंसर आ गया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करना, इस तो बाद आपां लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का तो एक्सरसाइज का। सो किवें है क्वेश्चन अपने को, क्वेश्चन की कह रहे हैं आपां, एक ट्रैंगल गिवन है, आपां एक ट्रैंगल गिवन है ए बी ते सी, ए बी ते सी, ए दे कोऑर्डिनेट गिवन है आपां, ए दे कोऑर्डिनेट की है 4 -6, बी दे कोऑर्डिनेट की है 3 -2, तो सी दे कोऑर्डिनेट की है 5 ते 2। हुण आपां इत्थों की खिंचिया एक मीडियन, आपां इत्थों की खिंचिया एक मीडियन, मीडियन की आ गया अपने कोल डी आ गया, मीडियन की है ए डी मीडियन है, मतलब डी मिड पॉइंट है कहिंदा बी ते सी दा। 9th क्लास दे विच पढ़िया सीगा जिहड़ा मीडियन हुंदा उह ट्रैंगल नूं की करदा दो इक्वल पार्ट्स, मतलब दोवां दा एरिया की हुंदा सेम हुंदा, ठीक है। मतलब आपां इह चीज़ प्रूव करनी है, टू प्रूफ एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया ए सी डी, क्योंकि जिहड़ा मीडियन है ना वो ट्रैंगल नूं दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करदा, दोवां दा एरिया की होएगा इक्वल होएगा। पहला आपां डी दे कोऑर्डिनेट फाइंड करदे हां, आपां की लिखांगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी अपने कोल की है बी ते सी दा मिड पॉइंट है, तो देखो किवें सॉल्व करांगे आपां, की बन गया अपने कोल 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, इधर की आ गया -2 + 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना बन गया अपने कोल 3 + 5 = 8 / 2 कितना रह गया 4 + 2 - 2 तो कितना आ गया 0, तो डी दे कोऑर्डिनेट कितने आ गए 4 एंड 0। हुण आपां फाइंड करांगे एरिया ए बी डी, एरिया ए बी ते डी, सो कितना आ गया 1/2, पहला ए दे कोऑर्डिनेट 4 - 6, बी दे कोऑर्डिनेट 3 - 2, तो डी दे कितने आ गए 4 0, ए वाले आपां वापस लिखांगे, ए वापस आ गए, ठीक है। ए बी डी का एरिया आप फाइंड कर रहे हैं, सो करो इनू सॉल्व 1/2, पहला क्रॉस मल्टीप्लाई राइट टू लैफ्ट कितना आ गया -8 + 0 - 24, ये चीज़ बन गई। हुण आपां की जाना लैफ्ट टू राइट कितना आ गया -18 - 8 + की आ गया 0, ये सारी चीज़ आ गई। हुण इनू सॉल्व करो -8 - 24 सो कितना हो गया -32, -18 ते -8 कितना हो गया -26 हो गया। ओके हुण माइनस माइनस की हो गया अपने को प्लस हो गया, सो 32 + 26 कितना आ गया -6/2, पर बाहरले पासे की लगा होया मॉड, मॉडलस की करता है इनू पॉजिटिव करेगा, सो 6/2 कट करके कितना आ गया 3 स्केयर यूनिट्स। ओके सो ए बी डी का एरिया आ गया दैट इज 3 स्केयर यूनिट। हुण आपां फाइंड करना है एरिया ए सी ते डी का, सो आपां इनू पहला रफ करांगे,
पहला आप रफ कर दें, बस इन्ना याद रख लेना ए बी डी का एरिया कि आ गया 3 square unit। हुण आप एरिया ए सी डी फाइंड करते हैं, सो दैट इज़ 1/2। ए वाले किन्ने आ गए 4 - 6, सी वाले 5 - 2, तो डी वाले 4 - 0। वापस आप लिखा ए वाले, ओके। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई राइट टू लैफ्ट जाना, सो कि आ गया 8, उस तो बाद की आ गया नैक्सट +0 - की आ गया 24। हुण इधरले पासे कि आ गया -30 +8 प्लस की आ गया 0 आ गया, ओके। सो कि बन गया इतों, इतों रह गया -16, इतों कि रह गया -22, ओके। -30 है +8 किन्ने रह गए -22, सो इनू -माइनस की हो गया अपने को प्लस हो गया, सो -16 +22, सो कि आ गया 6/2, कट करके कि आ गया 3 square units। ए भी 3 square आ गया, पहला वाला भी किया 3 square units। सो एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया ए सी डी, दोवें इक्वल आ गए। हुण आपां लिखांगे हैंस हैंस मीडियन डिवाइड्स द ट्रैंगल इंटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। जिहड़ा मीडियन है वह ट्रैंगल नूं की करता, दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता जिन्हों का एरिया की हुंदा सेम हुंदा। तो ऐसी अपने कोल चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो गया, नाल ही अपना चैप्टर खत्म हो गया। नैक्सट आप स्टार्ट करांगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री।